बात बताओ, ये तो तुम पता है मैं अभी जेल गई थी। हाँ पता है। तो कभी जैसे जब मैं अंदर थी तो कभी मेरे बारे में उस ड्यूरेशन में या कभी टाइम के बारे में कभी तुमसे किसी ने आके पूछा कि यार तुमने काम तो गहना के साथ भी किया है, तुमने टाइम के साथ भी किया, तुमने रोबा के साथ काम किया था तब तक? नहीं, रोबा तब तक नहीं किया था। तो मतलब ये दो महारथी थे गहना और टैन, उनके साथ हम काम करके बैठी थी, तो कभी इनके बारे में कुछ चर्चाएं हुई? एक्चुअली चर्चा तो बहुत होती थी, ऑफकोर्स टीवी पे भी आ गई थी। हाँ। टीवी पे भी सबके मोबाइल में भी चलता था वो टाइम पे। हाँ। और ऐसा था कि मतलब सब जगह वही बात हो रही थी कि वेब सीरीज वाले को लेके ये हो रहा है, और कुछ लड़कियां जो कोऑर्डिनेटर थी हाँ। वो टाइम पे गलत गलत ये फैला रही थी अफवाहें। हाँ। तो बीच बीच में एक दो जगह तो मेरा भी नाम ले लिया था किसी ने। अच्छा, बट किसी के बोलने से बोलते हैं ना कि नहीं होता। हाँ। वो खाली मीडिया में आने के लिए उनका स्ट्रेंथ था वैसा। करे, करे। और बाकी रही आपके बारे में बातें, तो वो तो होती रहती थी, झूठी लगाओ सच्ची लगाओ वो होती रहती थी। कभी कोई कुछ बोल दिया, अरे उसने ये किया था, ये हो गया, ठीक है ये हो गया। हम बड़े चर्चा का विषय बनने लगे। देखो जिनमें दम होता है वही चर्चा का विषय बन सकते हैं। हाँ। पता है तुम्हें, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी, आई डोंट वांट टू नेम देम, जो कभी मिली तक नहीं, मतलब जो कभी फिल्में की ही नहीं हो, जो कभी राज को नहीं मिली या मुझे नहीं मिली, नाम शॉर्ट टाइम को भी नहीं मिली होंगी, वो बंदे क्यों दे रही थी यार? राइट, मैंने देखा। अब एक लड़की है, नाम तो नहीं लूंगी, पॉर्न स्टार है। हाँ हाँ, वो लड़की पॉर्न स्टार है, और वो मैंने देखा उसके पास टीवी चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहिए। हाँ। लेकिन एक चैनल वाले, बहुत अच्छे खासे चैनल वाले, हाँ। न्यूज वाले गए उनके पास, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ। और वो लड़की बोल रही है मेरे पास राजकुंद्रा ने फोन किया था, वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल किया था। समझ गए, समझ गए ना? हाँ, तो उसने मुझे बोला कि तुम वीडियो कॉल पे मुझे ये जो करो पूरा ये करके दिखाओ और फिर मैं तुमको सिलेक्ट करूंगा। मैंने बोला जब इंटरव्यू आप दे रहे हो, जो भी इंटरव्यू लेने आया है, मीडिया पहले उसके बारे में पता करके नहीं आया क्या? करेक्ट। उनको पता नहीं कि ये क्या करती है? करेक्ट। जब वो खुद पॉन कर रही है तो वो किसी और के बारे में कैसे बोल सकती है? करेक्ट। और अक्सर बदनाम ही किया गया है, जबकि उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानोगे, जो ये हॉट हिट वाला थे तो बहुत कम कर रहे थे, इससे ज्यादा करने वाले कम कर रहे थे। हॉटशॉट वाले तो भर भर के कर रहे थे। सॉरी, हॉटशॉट वाले मेरे मिक्स हो जाता है कभी कभी। तो ये जो थे बहुत कम कर रहे थे, इतना नहीं कर रहे थे, इनको इतना ज्यादा नहीं ये किया गया, मतलब इतना ज्यादा इसको इतना बोला गया कि भाई ये लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मीडिया में भी सब जगह उछाल दिया, जबकि जो रियल कर रहे थे उनको किसी ने कुछ बोला भी नहीं। करे, उनको उठाया भी नहीं। राजकुंद्रा बेचारा वैसे बदनाम है। हाँ। गहना बेचारी वैसे बदनाम है बिना बात की, उनने तो इतना किया भी नहीं है। जो रियल में करके बैठे हैं उनको कोई क्यों नहीं पकड़ता, मेरी तो बात वो ही है, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, जैसे कि अभी जैसे मैं घर पर हूँ, मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मुझे घर से उठा लेते हैं, कहते हैं मैं घर पर बैठ करके मड में रेप होते हुए देख रही हूँ, मेरी आंखें इतनी बड़ी हैं यार, ये मेरे से कौन सा कैमरा लगा रखा है? फिर कहते हैं कि राज जुहू में बैठ के रेप कर रहा है। सॉरी, क्या उसका इतना बड़ा है कि जुहू में रेप कर सकता? सीरियसली, मतलब ना चल क्या रहा था? और मतलब पागलपन थी, ऐसी ऐसी लड़कियां जिनकी ना शक्ल है ना सूरत है, वो इंटरव्यू दे रही है, वो इंटरव्यू दे रही है, और वो कह रही है राज खुद वीडियो कॉल कर रहा है। मतलब राज कौन है वो? मतलब उसका नंबर तुम्हारे पास कैसे आ गया? उसने क्यों वीडियो कॉल किया? वो इतना वेला है क्या? वेला है, वही तो। पता नहीं यार, क्या पागल बनती थी, बहुत पागल बनती थी वो टाइम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने इतना कुछ काम कर लिया है ना, आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में है, तो कभी आपको वो लोग मिले जो कभी कास्टिंग काउच की बातें करे? और अगर ये करते हैं तो ये लोग कैसे अप्रोच करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग अक्सर हैं। वैसे तो इंडस्ट्री में 99% जो है वो ऐसे ही लोग हैं। हाँ। फ्रॉड एकदम, जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बोलते हैं आज की आज आपको रात को हीरोइन बना देंगे। हाँ। और रात को हीरोइन कुछ और ही करती है और सुबह हीरोइन कुछ और ही होती है। तो वैसे वाले लोग इन्फिनिटी में आपको बहुत पैटे मिल जाते हैं। हाँ। और ऐसे अक्सर वैसे ही होते हैं। हाँ। तो जो काम करने वाला इंसान होता है ना, वो कभी ऐसी बात करता ही नहीं है। करेक्ट। कोई कंडीशन की बात नहीं करेगा, वो किसी चीज की बात नहीं करेगा। और जो वेला इंसान होगा वही ऐसी बातें करेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा स्टार्टिंग में हुआ था। हाँ। कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे कास्टिंग वाले थे जिन्होंने बोला कि मैम ये मूवी है, ये रोल है, आप इसमें ये करोगे तो हम आपको ये कर देंगे, लेकिन आपका छोटा सा कंडीशन है, आपको ना मेरे साथ जादू फैलाने के साथ ये करना पड़ेगा। तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगी। हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बोला नेटफ्लिक्स की सीरीज है, ठीक है, तो ऐसे ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला मीटिंग है, क्या नाम था वो,
विराट साइड उधर बताओ नेटफ्लिक्स का वाला बंदा विराट में मीटिंग कर रहा है तो मुझे बुला लिया वहां पे। ओ पापा तो विराट गई, ये बचपना होता है। उन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक करके दे दिया, सब कुछ करके दे दिया। उन्होंने मुझे जो डिटेल भेजी थी सब चीजें भेजी थी। हाँ ये बात आज तक किसी को नहीं पता, ठीक है, मैं मेरे घर वालों को भी नहीं पता, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला नेटफ्लिक्स का है, हाँ आप आ जाओ, तो सब डिटेल भेजी मेरे को सही लगे। और उन्होंने मुझे थोड़ा एडवांस भी भेज दिया था कि आपका मैं आज आके एग्रीमेंट हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं, आप आ जाओ या जब अपन पूरा प्रॉपर बात करके साइन करके ये कर देंगे। और मैं चली गई, ठीक है। मैं यहाँ से जाती हूँ तो बीच में कोई तो एक रोड था, मुझे इतना ज्यादा नहीं कुछ फाउंटेन वगैरह, फाउंटेन पर घोड़ा रोड है, हाँ फाउंटेन के पास किधर पहुंचे, और वहां पे उसको बोला गया गाड़ी वाले को कि आप इसको यहीं पे उतार दो कि हमारी गाड़ी आ रही है लेने, ठीक है। तो उनकी गाड़ी आई, एक ड्राइवर आया, ड्राइवर बैठा के मेरे को ले गया, मैं चली गई, ठीक है। जब मैं चली जाती हूँ तो फ्लैट था एक, तो 7th फ्लोर पे, 8th फ्लोर बताओ मुझे इतना याद भी नहीं है, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो मैं चली गई, ऊपर गई, जाके बैठी तो दो लेडीज थी, हाँ। उन्होंने मुझे बोला आइए आप अंदर बैठ जाइए, तो उन्होंने मुझे अंदर वाले रूम में बैठा दिया, ठीक है। तो मैं बैठी, उन्होंने मुझे पानी दिया, बोले कि दूसरे रूम में मीटिंग चल रहा है अभी आ जाएंगे वो। मैंने बोला ठीक है, ठीक है। तो ये बात मैं बोल तो रही हूँ लेकिन बोला नहीं जा रहा है, वैसे ये बोला भी नहीं है किसी को, एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो टाइम पे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, इसलिए मैं तुम कंफर्टेबल हो तो ही बोलो। नहीं नहीं मैं बोलूंगी, मेरे को है कि मैं लोगों को सच्चाई बताऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बहुत सारी भोली भाली लड़कियां जिनको ऐसे लोग चूतियां बना देते हैं और लोग लड़कियां बन भी जाती, क्योंकि लड़कियों को एक चांस नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि कोई सामने वाले के क्या इंटेंशन है। तो मुझे बुलाया गया, बुला के उसने लड़की ने बोला कि आप यहाँ पे बैठो, नहीं 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 रहूंगी मैं, मजबूत है मेरा, बैठाया। उसके बाद वो लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से, वो रूम का लॉक लगा दिया, और मैं मोबाइल मेरे से पहले ले लिया था कि मैम कि हमारे ना यहाँ पे शायद कुछ लोग वीडियो वगैरह बना के डाल देते हैं, अक्सर लोगों के आते थे, आप पहले फोन दे दो उनको कि अंदर मीटिंग में आप फोन नहीं लेके बैठ सकते। तो मैंने दे दिया था, उन्होंने लॉक कर दिया बंद, ठीक है। अब दो आदमी लोग आते हैं, मराठी थे, पता नहीं कौन से थे मुझे नहीं पता, उन्होंने काले काले कलर के आदमी थे, एकदम काले कट्टे से फैसे से, और उन्होंने गोल्ड वाले चेन पहने हुए थे 4-5 दोनों ने, और हाथ में पूरे क्या बोलते हैं उसको, रिंग्स विंग्स पहने हुए थे गोल्ड के, और प्रॉपर गोल्ड पहना हुआ था। उन्होंने मुझे बैठाया, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी मीटिंग है, आप कौन हो, कि दरवाजा बंद किया उन्होंने, तो बोले कुछ नहीं आप टेंशन मत लो, बस बात ही करनी है आपसे, अगले बात करेंगे। उन्होंने कुंडी बंद की, मैं उठ के जैसे ही निकलने की कोशिश की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को धकेल दिया। तो तभी मेरे साथ वहां पे गलत चीज हुई, वो जिसको जो किसी को नहीं पता है। तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि मैं वो टाइम पे बहुत डर गई थी, मैं बताती मैं निकली भी बहुत मुश्किल से, उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे वो टाइम पे, मैं 1 पीस पहन के गई थी और मैं लेंस लगा के गई थी, तो वो दो आदमियों ने ऐसा किया। और फिर उसके बाद वो दोनों आदमी बाहर निकल गए, उन्होंने डोर लॉक कर दिया, डोर लॉक करने के बाद वो बाहर निकले, जब तो मैं चिल्ला रही थी, पता नहीं वो बोलते ना शायद वो एक लड़की के मन में थोड़ी दया आ गई, तो उसने बोला कि मेरे को आके बोला कि पानी चाहिए आपको, मैंने बोला पानी नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ जाने दो, तो उसने बोला देखो मैं जाने नहीं दे सकती, और अगर मैंने जाने दिए तो शायद मेरे ऊपर ही आके कोई गलत चीज होगी। तो मैंने बोला आप मेरे को जितने पैसे लेने आप ले लो, लेकिन मेरे को जाने दो। अब मेरे मोबाइल में कभी मैं अक्सर मेरी आदत है मैं मोबाइल के कवर में ना पैसे डाल के रखती हूँ, तो मैंने उसको लड़की को कुछ 1,000-1,500 रुपए थे मैंने दे दिए, मैंने बोला आप ये ले लो बटे मेरे को जाने दो। मैं वहां से लिटरली भागी, उसने बोला मुझे बोला कि आप लिफ्ट से मत जाना, अगर आप लिफ्ट से जाओगे तो आप कैमरा में नजर आ जाओगे, नीचे लिफ्ट में अक्सर लोग निगरानी रखते हैं कि आप जाओगे तो सीढ़ियों से जाओ। और मैं वहां से सीढ़ियों से भागी हूँ, और मैं कुछ ये नहीं देखा कि मैंने क्या पहन रखा है क्या नहीं, जैसे थी मैं वैसे ही भागी और एक दुकान के पास जाके पहुंची। मेरे पास पैसे वैसे तो कुछ थे नहीं, कुछ भी नहीं था, जो था मैं उस लड़की को दे आई। तो मैंने उसको बोला भैया सिर्फ एक फोन करने दो, एक शॉप थी, और उसने बोला मैडम क्या आपकी हालत तो बहुत गंदी लग रही है। तो मैंने बोला सिर्फ एक फोन करने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को पैसे दे दो मैं कॉल करा दूंगा। मैंने बोला आपके पास जीपे फोन पे कुछ होगा तो मैं करवा दूंगी। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, कि मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरे साथ जो इंसान है वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरी हर एक चीज में मदद की है, उसने मेरे साथ वो चीजें भी देखी हैं जो शायद मेरे पेरेंट्स कभी देख नहीं पाते।
तो मैंने जब फोन किया, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा मेरा हाल है, ये मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम कुछ मत करो, तुम्हारे फोन में ओला बोला कुछ ये होगा। मैंने बोला मेरे फोन में तो कुछ भी नहीं चल रहा, मैं क्या करूंगी। उन्होंने बोला तुम्हारा लोकेशन भेजो मेरे को। जैसे मैंने लोकेशन भेजा, तब मैं साइड में छुप के बैठी हुआ शॉप वाले आदमी के वहां पे। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर बोला कि ठीक है तुम यहाँ से आ जाओ। मैं ओला में बैठ के जब वहां से गई हूँ, तो आधे रास्ते मेरे बॉयफ्रेंड खुद ही आ गए थे। तो आगे उन्होंने ड्राइवर भेजा था, लेकिन आधे रास्ते वो आ गए थे। उन मेरे साथ बैठे, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था ये चीज का कि मेरे साथ ये चीज हुई है। फिर वो मेरे को बोल रहे थे, चल भी नहीं पा रही थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। जैसे ही मैं बिल्डिंग के ऊपर गई हूँ, ऊपर जाके बैठी, उसने मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम शायद खुद से। मैंने बोला मैं नहीं गई, मेरे पास नंबर है, आप फोन करके देख लो उनको। और वो उनको फोन कर रहे हैं, वो रहे नहीं हमारे पास तो नहीं आए मैडम। वो आदमी लोगों ने झूठ बोल लिया, फिर उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। और वो बाद में भी झूठ ही बोलते रहे, किधर किधर से फोन लगाया, लेकिन उन लोगों ने सच्चाई नहीं बताई। बोलते हमारे पास तो आई, हमने तो बुलाया ही नहीं था इनको, किसी और ने बुलाया होगा, झूठ बोल रही है। उसके बाद मैं बहुत घबरा गई, मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला आप पुलिस कंप्लेंट कर दो। मैंने बोला मैं पुलिस कंप्लेंट अगर कर दूंगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे बेसिकली हम लोग तीन बहने हैं, मतलब वो आज ही मेरे को घर बुला लेंगे, मेरे को कहाँ काम करने देंगे। वो मैं निकल गई, वाहेगुरु का मेरे सर पे हाथ था कि शायद मैं निकल गई, वरना पता नहीं मैं वो लोग मेरे साथ क्या करते, जब मेरे को कहाँ पे लेके जाते, जब मेरे साथ उसके बाद क्या होता मुझे नहीं पता था। लेकिन बोलते हैं ना कि शायद परमात्मा अगर आपके साथ है। करो ना लवप्रीत, आज कंप्लेन करो। क्योंकि मेरे को उनकी शक्ल याद नहीं है अभी, कैसे थे वो, मुझे ये याद है कि वो काले कट, उनका असली नाम तक याद नहीं है, उनके असली नंबर नहीं है मेरे पास, उनके बारे पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत बार बोला तुम कंप्लेन करो। एक बार मैं ओशीवारा तक चली भी गई, तो ओशीवारा के मैं पुलिस स्टेशन तक आ भी गई। फिर मैं खुद बाहर बैठ के सोचा, मैंने बोला अगर वो मेरे को बोलेंगे नाम बताओ, कुछ दिखाओ, कोई फोटो दिखाओ, क्या दिखाऊंगी, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो वो तो मेरे को ये बोलेंगे तुम झूठ बोल रही हो। मेरे साथ ये चीज हुई थी, इसलिए मेरे को आजकल थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता ये कास्टिंग वालों पे, इसलिए मैं डायरेक्टली प्रोडक्शन से ही काम करती हूँ। कहीं भी नहीं, वो बेटर है, क्योंकि जब आदमी में इतनी इंसानियत ना रह जाए ना कि यार आप किसी इंसान को बेच दे रहे हो उसके बिना नॉलेज के, आप उसके साथ गलत कर रहे हो, तो इन लोगों पर कैसे कोई ट्रस्ट करेगा यार। और इन्हीं में से ही निकले हुए दो लोग हैं ना, ये कोई अलग से तो नहीं आए हैं, नहीं है, यही लोग हैं, तो कैसे कोई ट्रस्ट करेगा, कैसे ट्रस्ट होगा। और वो आदमी लोग इतने हरामजादे थे, मैं मतलब उनके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि जब लड़की सामने से बोल रही है कि मैं यहाँ पे किसी और चीज के लिए, आप कौन हो क्या, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपनी इंडस्ट्री के भी थे, मेरे को नहीं लगता। मेरे हिसाब से वो जिस हिसाब से उनका पहनावा था, जिस हिसाब से उन्होंने सब चीजें पहनी थी, मुझे तो गुंडे गुंडे लग रहे थे। कि विरार में वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं रहते, नहीं रहते हैं फिल्मी लोग यहाँ पे, मैक्सिमम तुम्हें मिलेंगे मैक्सिमम मीरा रोड तक, या तो जो अच्छे प्रोडक्शन हाउस है वो लोखंड वाला, अंधेरी, जुहू, बैंड्रा, और बहुत ज्यादा इस साइड तक मलाड तक, क्योंकि सोनी का ऑफिस है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे साथ वो चीज हुई वो टाइम पे, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं सबको बता सकूं। इवन मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ पहले ये चीज घर पे भी एक बार हो चुकी है, इसलिए मैं अपना घर वाद सब छोड़ के यहाँ पे रह रही थी, और यहाँ पे भी मेरे साथ एक बार हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करते, मुझे किसी भी लूले लंगड़े के साथ तब बांध देते, कि वो सोचते कि नहीं भाई हम नहीं लड़की संभाल पाएंगे, ऑलरेडी तीन है, किस किस को संभालेंगे, एक की तो हो गई है, और जिसके साथ एक के साथ हुई थी उसी आदमी ने, मेरी बहन जिसके साथ हुई थी उसी आदमी ने मेरे साथ, तब मैं बहुत छोटी थी 16-17 साल की, तब मेरे साथ गलत हुआ। वहां से सब चीजें देख के मैं, जबकि मैंने तब भी अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ हुआ है, लेकिन मेरे को वो था कि मैं वहां से निकल जाऊंगा, इसलिए मैं बॉम्बे आ गई। और बॉम्बे आके मेरे साथ 2-3 साल के बाद ये चीज हुई एक बार, मैं किसको भूलू जाके, मेरे सर पे कोई था ही नहीं, कौन सुनेगा मेरी। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा ये नहीं है कि वो मेरी हर चीज समझ सके, वो बेचारे बहुत ये हैं, उनके उनको पता है कि सोसाइटी में लोग बोलेंगे कि तुम्हारी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं तो बैठा के क्यों रखे, शादी कर दो, लोग ये बोलते हैं। और फिर शादी होने के बाद आप कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो कि सामने वाला कैसा निकले, अरेंज मैरिज में ऐसा होगा तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं, क्योंकि मेरी माँ ने जिसके साथ मेरी बहन की शादी की अरेंज मैरिज के किसके साथ बांधा, उसकी नजर तो ऑलरेडी मेरे पे थी, वो भी मेरे साथ कुछ कर चुका है, तो मैं कैसे किसी पे ट्रस्ट करूं। और आज तक मैंने शादी नहीं की है, वैसे अभी तो इतनी एज नहीं हुआ, बट 24 साल में मैंने इसीलिए अभी किसी के साथ ट्राई भी नहीं किया कि मैं सोचूंगी किसी के साथ, कि मुझे मर्द जात पे भरोसा नहीं होता। कैसे हिम्मत हो गया पता है दोस्तों, मैं यही चीज कहूंगी कि आपके घर में बेटियां हैं, मौका दो उन्हें बोलने का।